एफरिज्म 119 के फुटनोट में डॉक्टर हैनेमैन ने यह कहा है कि इन होम्योपैथी देयर कैन बी नो सरोगेट्स, यानी कि होम्योपैथी में कोई सब्स्टिट्यूट्स या विकल्प नहीं है। किसी पेशेंट के लिए अगर आर्सेनिक परफेक्ट सिमिलिमम है तो जो काम आर्सेनिक कर सकता है वो कोई और रेमेडी नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये निकलता है कि हर एक केस में परफेक्ट सिमिलिमम सिर्फ एक होता है और उस एक परफेक्ट सिमिलिमम तक पहुंचना ही एक सच्चे होम्योपैथ की चुनौती है। यानी सरल भाषा में एक केस को अगर 10 लोग व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअली वर्कआउट करें तो सारे 10 लोगों को एक ही रेमेडी आनी चाहिए एज द इंडिकेटेड वन। पर क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? फेसबुक के ग्रुप्स में अगर आप ध्यान दो, जहां किसी ने कोई रेमेडी सुझाव पूछा है तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। आर्सेनिक से लेकर जिंकम मेट तक कई डॉक्टर्स अपने अपने रेमेडीज लिस्ट करेंगे। अब जरा सोचो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक केस को अगर कई डॉक्टर्स व्यक्तिगत रूप से वर्कआउट करे तो सारे के सारे डॉक्टर्स का फाइनल सिलेक्शन एक ही हो? क्या ये मुमकिन है? हमें यकीन है आप में से अधिकतर लोगों का जवाब ना ही होगा। तो क्या इसका ये मतलब निकलता है कि जब हमारे मास्टर ने ये कहा है कि इन होम्योपैथी देयर कैन बी नो सरोगेट्स, वो गलत है? अब या तो वो गलत हो सकते हैं या फिर हम, पर इस बात का फैसला कैसे करें? चलिए एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐप की स्क्रीन में जो दिख रहा है वो कुछ इंडियन करेंसी के नोट्स हैं। अब आपको इनमें से कोई भी 5 नोट निकालने हैं। और हां, ये बात याद रखें कि आपके पास सबसे ज्यादा पैसे होने चाहिए। इसके लिए आपको मिलते हैं 30 सेकेंड और आपका टाइम शुरू होता है अब। हमें ये पूरा यकीन है कि आप सब लोगों के पास 5,100 रुपए होंगे, क्योंकि आप सबसे पहले 2,000 का नोट पिक करेंगे, फिर एक और 2,000 का, फिर 2 500 के और फिर 100 का। चलिए अब इन नोटों को थोड़ा बदल देते हैं और फिर से आपको इनमें से 5 नोट निकालने हैं। आपको फिर से 30 सेकंड का समय मिलता है। अब आपके पास कितने पैसे होंगे? पहले तो आप 20 रुपए का नोट पिक करेंगे, फिर 2 10 के और फिर 2 5 के, यानी आपके पास होंगे 50 रुपए। अब यहां एक चीज जरा गौर करें, पहले वाले एक्सरसाइज में किसी ने भी 20 रुपए का नोट पिक नहीं किया, पर दूसरे एक्सरसाइज में वही 20 रुपए का नोट आपका पहला पिक बन गया। क्या आप बता सकते हैं क्यों? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। पहले एक्सरसाइज में जो ऑप्शंस आपको दिए गए थे उनमें 20 रुपए का नोट का मूल्य या वैल्यू कम था, मगर दूसरे एक्सरसाइज में जो भी ऑप्शंस आपके पास थे उसमें 20 रुपए का नोट का मूल्य या वैल्यू सबसे ज्यादा था। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी वही नोट पिक करेगा जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। जिस तरह हर एक नोट का एक वैल्यू होता है, बिल्कुल उसी तरह हर एक सिम्टम का भी एक वैल्यू होता है। इस एक्सरसाइज में जैसे आपने सिर्फ वही नोट पिक किया जिनकी वैल्यू ज्यादा थी, उसी तरह एक केस में केस टेकिंग के बाद आपको जितने भी सिम्टम्स मिले हो, अगर उसमें से टोटैलिटी फॉर्म करने के लिए कोई 5 या 6 सिम्टम्स चुनना पड़े
तो आप सिर्फ वही सिम्टम्स चुनोगे जिसकी उस केस में ज्यादा वैल्यू है, जिससे ये होगा कि सारे लोग अगर एक केस को व्यक्तिगत रूप से भी वर्कआउट करें, तो अंत में जब टोटैलिटी फॉर्म होगी, सबके पास एक ही सिम्टम्स होंगे। फिर तो ये जाहिर सी बात होगी कि सबका रिपोर्टोरियल टोटैलिटी भी सेम होगा और सबका इंडिकेटेड रेमेडी भी। यानी हमारे मास्टर गलत नहीं थे जब उन्होंने ये कहा था कि इन होम्योपैथी देयर कैन बी नो सरोगेट्स, पर शायद हम गलत है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमसे गलती कहां होती है। हमसे गलती दो जगह हो सकती है। एक, हम कोई भी केस को ढंग से नहीं लेते, जिसकी वजह से हमें कई बार आधे अधूरे सिम्टम्स ही मिल पाते हैं। और दूसरा, हम ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स को प्रॉपर वैल्यू नहीं दे पाते। इन दोनों गलतियों की वजह एक ही है, या तो हमें यह मालूम ही नहीं कि एक केस को कंप्लीट कब माना जाएगा और उन ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स को वैल्यू कैसे दें, या फिर हमें इतनी जल्दी रहती है प्रिस्क्राइब करने की कि हम केस को कंप्लीटली लेते ही नहीं और ना ही ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स को प्रॉपर वैल्यू देकर वर्कआउट करते हैं। ये जो क्लिनिकल टिप्स, शॉर्टकट्स और मेथोडोलॉजीज हमारे दिमाग में भरे हैं, वो अक्सर हमें अपनी राह से भटकाते हैं और इसीलिए हम में से अधिकतर लोगों को 100% रिजल्ट नहीं मिलते। होम्यो मिरर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम और आप एक साथ मिलकर अपनी गलतियों को सुधारते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए आगे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे भी। जो भी कोई अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हो, जो अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से मुक्त हो, जिन्हें अपने लाइफ में कुछ बनना है और जिन्हें अपने सिस्टम के लिए कुछ करना है, हमारे इस अभियान से जुड़े और हमारा साथ दे। जिनको हमारा साथ देना है, कृपया हमें इस नंबर पर संपर्क करें, 8722169179।